वीडियो में कही गई बातों का फोरम फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम फोर जिम्मेदार नहीं हो। मनप्रीत सिंह मेरा नाम है और जलंधर मीरपुर माड़ी मेरा पिंड है और मैं यूरोप ऑस्ट्रिया में रहता हूँ, साल्सबर्ग में। हाँ जी, ऑस्ट्रिया से आए। वहाँ के जो भाई हैं हमारे, वो भी किसानों के बेटे हैं, वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं और लगभग 5 लाख के करीब हमारे परदेसी आने को तैयार है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो संघर्ष है ना किसानों का, ये इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है। मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, यूरोप में। हमने वहाँ रैली निकाली, ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट से परमिशन ली तो उन्होंने 3 घंटे का परमिशन दी और 450 गाड़ी थी ऑस्ट्रिया में। उन्होंने अपना सब कुछ बंद किया, अपने रोड, अपनी ट्राम, सारा कुछ रोक के हमें बहुत इज्जत से बोला कि आप अपना प्रदर्शन कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है। सो दूसरे देश में हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, सारी कंट्रियों में किसानों के समर्थन में रैली निकली, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सारा यूरोप हो, सभी जगह। और सभी जगह पूरी इज्जत के साथ बाहरली कंट्री वालों ने बोला कि आप रैली करो, आपका ये राइट्स है। लेकिन ये हमारे इंडिया में ही है ये प्रॉब्लम। बीजेपी, खास करके बीजेपी सरकार, देखो अपने आंदोलन करने का और अपनी राजधानी आने का हक हर एक नागरिक को है, लेकिन जब पंजाब से निकले थे, जब यह आंदोलन शुरू हुआ ना पंजाब से, तब भी वहाँ रोका गया, गैस के अथरू गैस के गोले बरसाए गए और पानी फेंका गया, और इतनी ठंड में। और कल तो आप देख सकते हो इस तरफ राजस्थान हरियाणा रोड पे लाठी चार्ज भी हुआ और अथरू गैस भी फेंकी गई। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं और वहाँ पर क्या माहौल है किसानों को लेकर के, जहाँ पर इस तरीके से गुस्सा है? देखिए, सारी जो भी कंट्री है ना, अमेरिका, कनाडा में हमारे पंजाबी बहुत गिनती में है ना। मान लीजिए भी 5-7 लाख हमारे जो हैं पंजाबी, वो भी फार्मर के ही बेटे हैं ना, वो कनाडा में है, अमेरिका में है। इसी तरह ये जो किसान के समर्थन में हर, तकरीबन हर कंट्री में रैलियां हुई, हर कंट्री में, यूरोप के सारे शहरों में हुई, कनाडा में हुई, अमेरिका के सारे छोटे बड़े शहरों में जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा सारे शहरों में हुए, जर्मनी सारे शहरों में हुआ, ऑस्ट्रिया हमने राजधानी वियना में किया। सो पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में किसान को समर्थन मिला ना, और सभी उधर सभी लोगों ने, जब रैलियां निकलती हैं तो वो पढ़ते हैं, सर्च करते हैं और उनको पता चलता है कि बहुत गलत हो रहा है किसान के साथ। यहाँ की सरकार तो उन्हें मतलब मानती नहीं, बोलती है कि देश विरोधी लोग हैं ये जो वहाँ पे रैली कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ, ये बिल्कुल, ये इल्ज़ाम लगाने का क्या है जी, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर पहली बात तो ये है कि अगर सरकारें ईमानदार अच्छी होती, यहाँ काम देने लायक सरकारें हमारी होती, तो कौन बाहर जाता जी, प्रदेश में कोई नहीं जाता। तो अब अगर प्रदेश में हमारे भाई गए हैं तो ये सोचिए कि अगर प्रदेश में जाकर वो हमारे पंजाब, अपने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पंजाबी हैं बाहर, वो पंजाब में कितना पैसा भेजते हैं पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के सड़कों के लिए, सड़कों के लिए नहीं, जैसे रास्तों के लिए, स्कूलों के लिए और स्टेडियम के लिए, गुरुद्वारों के लिए। सरकार तो अगर 20% विकास करती है ना, तो हमारे परदेसी वहाँ पर इतना दर्द रखते हैं अपने देश के लिए, इनसे ज़्यादा, भाजपा वालों से ज़्यादा देशभक्त हैं हमारे परदेसी, वहाँ बैठे भी पैसे भेजते हैं ताकि यहाँ का विकास कर सके ना। हमारे गांव का विकास 80% बाहरले लोगों ने किया, लेकिन सरकार जब इलेक्शन होती है तो अपने हक में दिखाती है कि हमने ये स्कूल बना दिए, हमने ये कर दिया, लेकिन वो ही भेजते हैं। और आप ये देखिए कि देश कोई इकोनॉमिकली बढ़ाने के लिए जेड़ा जो भी हमारे परदेसी भाई पैसा भेजते हैं, वो देश को कितना आगे लेके जाता है ना। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने जब मतलब समर्थन किया तो उनके खिलाफ जो है जांच बैठ गई, तो वहाँ से जो फंडिंग हो रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आती, ये जो कंगना और जो पायल थी, उनको ये, वो इतनी इतने बदमाग हैं, उनको इतना नहीं पता चल रहा,
वो समझते हैं कि फौजी कोई और है, किसान कोई और है, दिलजीत कोई और है। उनको ये नहीं पता कि जो पंजाब में रहने वाला व्यक्ति है, पहली बात तो ये वो किसान से रिलेटिव है, जहाँ तो वो किसान का भाई होगा, जहाँ वो किसान का बेटा होगा। दिलजीत खुद किसान है, किसान का बेटा है दिलजीत। तो वो पहली बात तो ये है कि वो रहे दिलजीत बाहर से आकर इसमें घुस गया। दिलजीत बाहर से नहीं आया, बाहर से कंगना आई, बाहर से पायल आई, इन्हों को इनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था और ये बाहर से आए। लेकिन दिलजीत तो किसान का बेटा है। और दूसरी बात, इनको ये नहीं पता, इनके भाजपा के कई मंत्री हैं, ये बयान दे रहे हैं कि किसानों ने सड़कें रोक दी और फौजियों को जो राशन नहीं पहुंचा। पहली बात तो ये अनपढ़ नेता जो है ना हमारे, इनको ये देखना चाहिए कि फौजी कौन है। यार किसान के बेटे ही तो फौजी हैं, किसान के बेटे ही फौजी हैं। हमारे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 1975 लगभग इतने तक हमारे 33% कोटा फौज का था, उसमें पंजाबियों के लिए राखवा था, क्योंकि ये फौज में माना जाता था भारतीय फौज में कि पंजाबी जो है, सिख रेजिमेंट है, वो सबसे बहादुर है। और अब भी जो फौज में है वो किसान के बेटे हैं ना, कितने किसान के बेटे शहीद हुए। लेकिन ये जब बोलते हैं कुछ नहीं, यार सोच दें, आप सोचिए कि किसान, कभी ऐसा हो सकता है कि किसान के बेटे बॉर्डर पे हैं और किसान ये चाहेगा कि कभी वो तो उनका राशन रोक दे? बिल्कुल नहीं। किसान एम्बुलेंस भी खुद निकाल रहा है, किसान ये भी दुख है हमें अगर किसी को इतने बड़े धरने की वजह से किसी को तंगी आ भी रही है, लेकिन हम अपने मन से चाहते हैं कि किसी को भी तंगी ना हो। खुद खाना बनाते हैं लंगर, खुद सफाई करते हैं, एम्बुलेंस आती है उसे निकालते हैं। सो ये बहुत बहुत बकवास करते हैं ये कंगना और ये भाजपा वाले। बिल्कुल नहीं जी, खाक अच्छा बिल है, कोई भी अच्छा बिल नहीं है। और ये बिल किसानों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, ये बिल तो उन्होंने अपने कारपोरेट घरानों ने अपनी तरफ से अपने फायदे के लिए बिल बनाकर मोदी जी को दे दिया कि ये कानून पास कर दो। मैं आपको तीन बातें बता देता हूं जिसका किसान से लेना देना है ही नहीं। पहली बात तो इन तीन बिलों के बाद एक चौथा बिल आया था, वो था कि किसान जो है वो अगर अपने धुआं करेगा ना, अपने पराली जलाएगा, तो उसे 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। इसमें आप बताओ कि कौन सा किसान का, मोदी साहब बोलते हैं कि किसान का फायदा ही हुआ, बहुत फायदा होगा, इसमें कौन सा फायदा है? दूसरी बात ये जमाखोरी, आज तक हमारे देश ने पूरे सिनेमा में, हमारा जो बॉलीवुड है उसमें आज तक 50 साल में यही दिखा रहे हैं कि एक स्टोरी, एक सेठ है, वो गलती से सारा कुछ इकट्ठा करता है, जमाखोरी करता है, महंगाई होती है, पब्लिक भूखी मरती है, और तभी से हीरो की एंट्री होती है, अमिताभ बच्चन आता है और वो लाले को मारता है उस सेठ को, और लोगों को बोलता है अनाज ले जाओ। तो सारी पब्लिक ने, सारे भारत ने ऐसे ताड़ी लगाई सिनेमे में कि बहुत अच्छा। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बरसों से जमाखोरी पर कानून है, जमाखोरी गलत है, तो आज मोदी जी ने एकदम से कैसे बोल दिया कि जमाखोरी कोई भी कर ले, जमाखोरी कर सकते हो, ये कैसे मुमकिन कर दिया सारी बात? और इसमें जमाखोरी में आप बताओ कौन सा किसान का फायदा है? जमाखोरी होगी, आम महंगाई बढ़ेगी, आम पब्लिक तंग होगी, जिसके पास पैसा है वो खरीद करके रख लेगा, कौन सा फायदा है इसमें आम लोगों का और किसानों का? तीसरी बड़ी बात, हमेशा ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि हमने आड़तिया हटा दिया और किसान को अब उसकी आया जो है डबल हो जाएगी। जो आड़तिया सिस्टम इन्होंने हटाया है ना, वो किसान के लिए नहीं हटाया। आप देखिए, अगर आड़तिया रहता तो कारपोरेट जब किसान से पास खरीद करते, किसान से आड़तिया खरीदता, तो आड़तिये से अगर कारपोरेट, ये बड़े घराने, अंडानी अंबानी खरीद करते, तो आड़तिये का ये भी राइट्स रहता कि वो और किसी को भी बेच सकता था। इसीलिए इन्होंने आड़तिये को निकाला, क्योंकि ये चाहते हैं कि बिल्कुल सीधा डायरेक्ट किसान से उठाएं, और इनका कॉम्पिटिशन करने वाला कोई भी व्यापारी, किसी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन कल की जो वार्ता हुई उसमें साफ हो गया कि बिल वापस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? जी हम वापस नहीं जाएंगे, हम बिल को रद्द करवा के ही जाएंगे। मोदी जी सोचते हैं कि किसान है, ठंड है, चले जाएंगे। देखो,
पहले मोदी जी ने ये बोला कि अकेले पंजाब के किसान हैं जी, इनको दिक्कत है, सारे देश के किसानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी देखो हर पंजाब के साथ हरियाणा आया, फिर यूपी आया, राजस्थान आया, मध्य प्रदेश आया, आज 12 स्टेट आ गई ना। फिर उन्होंने बोला कि वो धरने में किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है। अच्छा वो भी इनका नहीं चला ना झूठ। और तीसरे नंबर पर इन्होंने सारा गोदी मीडिया आगे लाकर उनको ये बोला, नहीं जी ये तो बिचौलिए है, किसान तो है ही नहीं हमारे पंजाब में हरियाणा में। अब जाके तो देखो घर में कोई है ही नहीं, सभी यहाँ पर है। अब इनका जब कुछ नहीं चल रहा तो ये मोदी जी आके बोलते हैं कि नहीं MSP रहेगी। और आप देखिए इनके सारे मंत्री बाकी चैनलों पर बोलते हैं कि हाँ हाँ मोदी जी ने MSP खत्म कर दिया। एक मोदी जी कर सकते थे, इनके मंत्री ये बोल रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं MSP रहेगा, हम खत्म थोड़ी कर रहे हैं। ये जो BJP वाले ना पूरे झूठ का पलिंदा है ये। हाँ तो हर कंट्री से आए, जर्मनी से, यहाँ की मीडिया और वहाँ की मीडिया में अंतर क्या है? वहाँ का मीडिया स्वतंत्र है जी पूरी तरह, वहाँ का मीडिया कंट्रोल नहीं होता। यहाँ तो आधे चैनल तो अंबानी ने खरीद रखे हैं और बाकी के चैनल जो हैं वो भी उसके लगभग अपने ही हैं। चलो खरीदे हुए नहीं हैं, ऑनर नहीं है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पैसा देता है ना वो, बस मोदी मोदी अंबानी अंबानी हो रहा है सारे चैनलों पर। पर ये बहुत गलत है, मीडिया जो मीडिया के इन चैनलों के जो ऑनर हैं उनके दिमाग में है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क बहुत पड़ेगा, आज सारा भारत ये जान चुका है कि गोदी मीडिया कौन है। सिर्फ कुछ चैनल हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं और एक बड़ा चैनल जिस पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ ND चैनल, वो एक निरपेक्ष सच्चा चैनल है। बाकी कुछ आप जैसे चैनल हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, उसके बिना सब बिकाऊ मीडिया सभी। लेकिन एक बार जब ये बदनाम हो जाएंगे ना तो लोग इनको मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी TRP पब्लिक से ही आएगी। मोदी इनको पैसा दे सकता है, अंबानी इसको पैसा दे सकते हैं, लेकिन TRP पब्लिक ही देगी। आप तो फिर आप लोगों की क्या रणनीति, आप लोग कैसे इस आंदोलन से जुड़े हैं और आगे क्या रणनीति आप? रणनीति से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा प्लीज। मैसेज ये है कि एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान को हमेशा बदनाम किया गया कि वो धुआं पराली को आग लगाता है और धुआं पॉल्यूशन करता है, लेकिन कभी किसी ने उसका दूसरे तरफ से सोचा ही नहीं कि किसान मान लीजिए आग लगाता है पराली को ना, तो 40 मिनट में एक एकड़ जल जाता है, लेकिन बाकी के 364 दिन किसान क्या करता है? सोचने वाली तो बात ये है। देखिए किसान मक्की बीजे वो ऑक्सीजन देती है, किसान चौना बीजे, वो कनक गवार बाजरा, किसान कोई भी फसल बीजे वो ऑक्सीजन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मक्की का एक एकड़ खेत ले लो, वो 3 महीने की फसल है और वो 55 से 60 व्यक्तियों की पूरे साल की ऑक्सीजन का इंतजाम कर देती है। तो आप ये सोचिए कि किसान के खेत में तो हर वक्त फसल रहेगी, साल में आग लगाएगा वो सिर्फ एक बार 40 मिनट आधा घंटा, और 364 दिन वो पूरे देश को यूनिवर्स को कितनी ऑक्सीजन देता है, सोचने की बात है ना। और मेरा बस यही बेनती है सरकार से और मोदी सरकार से कि मोदी जी आप समझिए किसानों को, किसान है तो सारा देश है, और अगर किसान नहीं है तो देश भी नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।